हमारे पास बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत सारे कलरफुल बलून्स थे, इसलिए हम लोग ने उत्तरायण के दिन बहुत सारे वीडियोस जो है वो शूट किए। मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं, मेरे बाजू में एक लड़का पतंग उड़ा रहा था तो मैंने उससे पतंग ले ली और उड़ाने लगा और एंजॉय करने लगा। और देखना है मेरी पतंग कौन सी है, ये रही मेरी ब्लू कलर की पतंग। मुझे छोटे बच्चे पे दया भी आ रही थी लेकिन मुझे पतंग उड़ाना भी था। फिर मैंने बहुत ही सोचा और फिर मैंने उसको उसकी पतंग दे ही दी। ये देखो, फिर वो खुश हो गया। खुशबू को भी पतंग उड़ानी नहीं आती, इसलिए उसने गुब्बारे के अंदर डोरी बांधा और पतंग उड़ाने का फील ले रही थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पतंग, बलून वाली है ना। मुझे लगा खुशबू बलून उड़ा देगी लेकिन वो बलून उड़ाने का नाम ही ले रही थी। फिर मैंने ना उसके हाथ में से बलून को छोड़ा और बलून उड़ गया। हैप्पी उत्तरायण। शाम हो चुकी थी और लोग सोकर उठकर आ गए थे पतंग उड़ाने के लिए। इतने लोगों को पतंग उड़ाते देख मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे पतंग उड़ानी आती ही नहीं। अगले साल मैं जरूर पतंग उड़ाना सीखूंगा और पतंग उड़ाऊंगा। इस साल तो मैंने लोगों की फिरकी पकड़ पकड़ के ये ना उत्तरायण को सेलिब्रेट किया। बाय बाय।